कोई हैसियत नहीं प्रोटेस्ट करने की, तुम्हारी हैसियत होती तो तुम हज के लिए, तुम्हारी हैसियत होती तो मुसलमानों को किस तरह पीसा जा रहा है इसी महाराष्ट्र में, तुम्हारी सरकार पीस रही है तुम उस पर प्रोटेस्ट करते। तुम्हारी हैसियत होती तो कांग्रेस ने, जिसने शिवसेना बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों ने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दिया था, तुम्हारी हैसियत होती तब तुम प्रोटेस्ट करते। तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं प्रोटेस्ट करने की। मैं तो ये कहूँगा कि जरा अपने गरेबान में झांक कर देखो, फिर मुझसे माफी की बात करो। बोलेंगे जो बीजेपी बोलेगी वही ये करेंगे, ऐसे व्यक्ति ने आवाम से माफी मांगना चाहिए। अब आप माफी नहीं मांगेंगे मामला खराब होता है। एक दो अल्फाज बोल के कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं माजरा चाहता हूँ आवाम से, कोई बोलने में एतराज नहीं है। देखिए कल पूरा विश्व योगा दिवस को मनाया और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कोशिशों से भारत का योगा पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि 51 इस्लामिक मुल्कों में भी योगा मनाया जा रहा है, हमने भी मनाया और हम भी बाबा के चाहने वाले हैं, श्रद्धालु उनके, हमको लगा ये पवित्र जगह है और ऐसे पवित्र जगह पर ही अच्छा काम होना चाहिए। तो हम वहाँ पर जो है किसी पार्टी का सिंबल ना यूज़ करते हुए एक बाबा के अनुयायी के हिस्से से, हमने योगा कोई ऑब्जेक्शन वाला काम नहीं है, योगा कोई अनैतिक काम नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत ही नहीं है। देश भर में योगा हुआ है और जो हिस्टोरिकल प्लेस थे वहाँ पर योगा हुआ है, आप देखेंगे तो सारे हिस्टोरिकल प्लेस पर योगा हुआ है। तो हमारे लिए नागपुर में सरकार बाबा ताजुद्दीन अलिया की चौखट से बेहतर और हिस्टोरिकल कोई जगह नहीं है, तो हमने वहाँ। अच्छा, जैसा अगर आपका कहना है कि भाई योगा बेस्ट प्लेस है आपके हिसाब से नागपुर का दरबार, तो क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है आपकी नज़र में कि भाई आप दरबार में अगर योगा करना चाहते हो तो ट्रस्ट या बॉडी से आपको परमिशन लेना चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आपके जहन में आया? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो योगा दिवस है उस योगा दिवस के लिए वहाँ पर, हाँ अगर कोई अनैतिक काम होता जिससे कोई ठेस पहुँचने वाली बात होती या कुछ भी सिंपल, बहुत सारे जो जायरीन आते हैं वो नमाज भी अदा करते हैं, वहाँ मस्जिद है लेकिन मस्जिद में अदा नहीं करते, दरबार के अंदर नमाज अदा करते। योगा से कंपेयर कर सकते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि हम तो दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और नमाज में भी योगा के सारे कंटेंट्स हैं और हमने जो योगा किया उसको हमने उसी हिसाब से किया, उसी अंदाज में किया। तो मुझे लगता है कि इसको ज़बरदस्ती इशू बनाना, इसको ज़बरदस्ती तुल लेना, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं अपने कांग्रेसी साथियों से अपील करूँगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी सरकार होते हुए आप उसको हल करा सकते थे। अभी देखिए हज कमेटी नहीं है, पिछले 2.5 साल से हज कमेटी नहीं है। आज जो हमारे हाजी हज पर जा रहे हैं उनके क्या में कोई बोल नहीं रहा है। आज अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन अपनी शिकायतें लेकर घूम रहे हैं उनको कोई ठिकाना नहीं अपनी शिकायतें दें। आज मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल वो बंडल हो गया, उस पर ताला लगा हुआ है, कोई कमेटी नहीं बनी। आज नागपुर का हज हाउस जहाँ पर सरकार ने मस्जिद अलाउ किया है, नोटिफिकेशन में मस्जिद है, उस मस्जिद को नवाब मलिक ने ताला लगवा दिया। वहाँ पर वो हॉल बनाना चाहते हैं, शादी ब्याह का घर बनाना चाहते हैं, उस पर ये खामोश हैं। और ये छोटे छोटे मुद्दे जिस पर कोई वजूद ही नहीं, जिसका कोई मतलब बेसी नहीं, बेसलेस मुद्दों पर अगर अपना निजी वेश करते हैं तो मुझे अफसोस है। आपके हिसाब से हज हाउस की जो बॉडी का आपने एक मुद्दा उठाया और दूसरा मुद्दा ये उठाया आपने कि अल्पसंख्यकों के लिए जो भी बॉडियां स्टेट वाइज जो बनती है वो अभी तक नहीं बनी है, तो इसमें आप क्या वजह देखते हैं क्यों नहीं बनी? मोटा मुर्गा चाहिए था। नवाब मलिक ने हज कमेटी के चेयरमैन के लिए जो रेट फिक्स किया था वो नहीं मिला उनको, इसलिए नहीं बनाया। मस्जिद में जो हज हाउस का मस्जिद है वो पूरी बिल्डिंग वो किराए से देना चाहते थे, अब किराए बिल्डिंग में मस्जिद रहेगी तो कोई लेगा नहीं, इसलिए मस्जिद तार लगवाया। सारे गैर इस्लामिक काम पूरे जो है काम इस सरकार ने किए और हमारे साथी जो है, मैं नौजवानों के जोश को कद्र करता हूँ, इस्लाम के लिए दर्द होना चाहिए लेकिन दर्द और ताकत का सही इस्तेमाल करूँगा कि इसका सही इस्तेमाल करो, बिला वजह अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। कुछ लोगों का ये कहना है कि आपने जानमाज का इस्तेमाल किया और योगा करने के लिए। अस्तगफुरुल्लाह, मैं जानमाज का तो हमेशा अदब करता हूँ, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा और जो हमने मैट इस्तेमाल किया है उसको जानमाज अगर बोलेंगे तो उनकी भूल है,
वहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, हम मैट जो देखेंगे आप उस पर ना कहीं मक्का बना हुआ है, ना मदीना बना हुआ है, ना कोई आयत लिखी हुई है। जितने भी जानवर देखेंगे वहाँ पर सिंबल्स बने होते हैं, आप देखेंगे उसमें कुछ नहीं है, वो सिंपल मैट है। तो उसको अगर ज़बरदस्ती जो है मुद्दे को ढूंढना और उसको हाईलाइट करना जिससे वो टेलीविज़न में आएंगे, जिससे वो अखबारों छपेंगे, तो मुझे लगता है ये छोटी मानसिकता है और इसी छोटी मानसिकता के कारण कांग्रेस ख़त्म हो रही है। और आज ऐसी हालत में कांग्रेस पहुंच चुकी है कि देखा जाए तो शिवसेना जैसे पार्टी से जिसके खिलाफ हमेशा जो है मुसलमानों ने संघर्ष किया और कांग्रेस साथ दिया, उसके साथ जाकर मिल गए, आज वो सरकार भी गिरने जा रही है। अब बताओ कांग्रेसियों क्या हाल होगा, ना धोबी का कुट्टा कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ऐसी तो हालत हो गई है, इसी बेवकूफ़ी भरी हरकतों से कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा, अपील करूँगा कि छोड़ो ऐसी बातें, आप जो है कौम के लिए मजबूती के साथ ऐसे पार्टी के साथ खड़े हो जहाँ आपका फ़ायदा हो, जहाँ आप कौम के लिए कुछ अच्छा काम कर सको। मैं दावत दूंगा उनको कि कांग्रेस तो ख़त्म हो गई, उसका जनाजा अभी दो दिन में निकल जाएगा। आज शिंदे जैसे लोग 46 विधायक लेकर चले गए, अब सरकार गिर रही है, तो आओ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ, इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। आप सभी ने देखा है जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और जब मैं चेयरमैन था, दूल्हों की तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाजियों को रखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो हमारे अल्लाह के मेहमान हैं। और एक अगर विधायक का मेहमान हो, एक मंत्री का मेहमान हो, एक प्रधानमंत्री के मेहमान हो, हम उसके साथ कैसे पेश आते हैं और अल्लाह के मेहमान के साथ कैसे पेश आएंगे। आज देखो अल्लाह के मेहमान के साथ क्या सलूक हो रहा है, ट्रेन नहीं मिल रही है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जो मुंबई में गए उनको रहने की जगह नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, तहारत खाना नहीं मिल रहा है, कितनी परेशानी है। ये सरकार जो है क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, फिर भी हम उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसे मुद्दों को छोड़कर एक पॉजिटिव मुद्दा जिसमें कौम की भलाई हो, मैं तो अपील करूंगा कि आप लोग आएँ, साथ मिलकर इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। अच्छा, एक जाते जाते आखिरी सवाल जमाल सिद्दीकी साहब, नुपुर शर्मा पर आपका क्या स्टैंड है? नुपुर शर्मा की मजम्मत की थी हमने, मुझे याद है 30 तारीख को हमने अपने पार्टी के जो हमारे आला अधिकारी हैं उनसे इसके बारे में बात की, हमने चर्चा की, हमने कहा कि ये जो बयान है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने लिखा, हमने बात किया और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने इस पर कार्रवाई की, उसको बर्खास्त किया, फिर भी लोग नहीं माने। दो जुमे को कोई आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, इसको मुद्दा बनाएंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी, मुद्दा ख़त्म हो रहा था तो इनके पेट में दर्द हुआ, क्योंकि इनके पास यही सब मुद्दे हैं, फालतू के मुद्दे हैं। तो उन्होंने तीसरे जुमे को इस्तेमाल किया कि नहीं हम तोड़फोड़ करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। ये लोग जुमे को बदनाम करने वाले लोग हैं, ये लोग इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको लगता है मुसलमान जुमे को पत्थरबाजी से करने जाता है, पत्थरबाजी कैसे की जाए ये सीखने जाता है। जुमा तो छोटी ईद कहलाती है, हम भाई से भाई मिलने आते हैं, भाई से भाई का दर्द पूछने आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का हाल पूछने आते हैं, इसलिए जुमा बनाया गया है। लेकिन इस तरह उन्होंने जुमे को बदनाम करने का काम किया, ये सब चीज़ें हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम बदनाम हो रहा है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो जैसा हमारे देश का एक कानून है कि अगर कोई भी धर्म का शख्स किसी अगर दूसरे धर्म के शख्स के खिलाफ में या उनके धर्म गुरु के खिलाफ में अगर कुछ बोलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, क्या सिर्फ किसी पार्टी से उन्हें बर्खास्त करना आप इसी को इंसाफ मानते हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी ने बर्खास्त किया, हम पार्टी के लोग हैं। अभी यहाँ पर रजा अकेडमी ने फौरन उसके बयान के फौरन बाद रजा अकेडमी ने महाराष्ट्र में FIR दर्ज करवाया, क्यों नहीं उद्धव ठाकरे करवाएगी? ये तो हमारे कांग्रेस साथियों से जो कांग्रेस समर्थन में खड़े हैं, जो कांग्रेस की तरफ से पत्थर मारने आए थे, उन साथियों से मैं कहूँगा कि आपको तो उद्धव ठाकरे से बात करना चाहिए, FIR दर्ज है, सरकार को चाहिए जाए उठा के लाए। ऐसे बहुत सारे आरोपियों को सरकार उठा के लाती है, तो दूसरे की तरफ उंगली दिखाने के पहले अपने तरफ देखना चाहिए कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नहीं तो उद्धव सरकार तो दिल्ली तक गई ना, 4 दिन वहाँ 5 दिन रुकी भी है ना। अफसोस है, इतनी कमजोर सरकार है तो ऐसे सरकार के साथ हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसमें कमजोर सरकार कहाँ से भाई, दिल्ली में तो आप वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आपको बताओ मैं, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट का मसला होता है, और अगर आरोपी दिल्ली में हो तो भी स्टेट, दुनिया में कहीं भी हो तो स्टेट अगर सपोर्ट ना करे दूसरा स्टेट तो कोई सपोर्ट वाली बात ही नहीं है। बाकायदा महाराष्ट्र पुलिस का लिखित में ये वो है बयान कि दिल्ली सरकार हमें सपोर्ट, दिल्ली पुलिस हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। सपोर्ट ऐसी बात नहीं कर रहा है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
लेकिन इनकी नीयत ही नहीं है, ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान लड़ता रहे, ये उसकी तरफ उनकी दिखाते हैं, वो उसकी तरफ उनकी दिखाते हैं, वो उसकी तरफ उनकी दिखाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। अच्छा जवाल भाई, आप ये जो मुद्दा हुआ है जानामास का और प्रीमाइसेस में योगा का, इस पर कुछ लोगों का ये कहना है कि जब तक जवाल भाई सिद्दीकी साहब जो है वो माफ़ी नहीं मांग लेते, हम ये प्रोटेस्ट कर रहे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, क्या आप माफ़ी? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं प्रोटेस्ट करने की, तुम्हारी हैसियत होती तो तुम हज के लिए प्रोटेस्ट करते, तुम्हारी हैसियत होती तो मुसलमानों को किस तरह पीसा जा रहा है इसी महाराष्ट्र में, तुम्हारी सरकार पीस रही है तुम उस पर प्रोटेस्ट करते, तुम्हारी हैसियत होती तो कांग्रेस ने जिसने शिवसेना बीजेपी का डर दिखाकर वोट लिया था, मुसलमानों ने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने वोट नहीं दिया था, तुम्हारी हैसियत होती तब तुम प्रोटेस्ट करते, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं प्रोटेस्ट करने की। मैं तो ये कहूँगा कि जरा अपने गरेबान में झांक कर देखो, फिर मुझसे माफ़ी की बात करूँगा।